दीदी जी, वो बेगम साहब आपको नाश्ते के लिए नीचे बुला रही हूँ। जी अच्छा सुने, जी इस घर में कौन कौन रहता है? आपको नहीं पता? शौकत साहब, उनकी वाइफ और उनकी बेटी के अलावा कौन कौन होता है? शौकत साहब और बेगम साहिबा के अलावा उनकी एक बेटी और उनका एक बेटा भी है। उनका बेटा जुहेब, जुहेब साहब तो बड़ी बेगम साहिबा के बेटे हैं। बड़ी बेगम साहिबा। जी, शौकत साहब के बड़े भाई का 4 साल पहले इंतकाल हो गया था। उनके अलावा उनकी एक बेटी भी है, उनका नाम महनूर बीबी ठीक है, आप जाइए। है। ठीक है बेबी जी। एक तो कौन सी चीज कहां पड़ी है मुझे जरा नहीं समझ में आ रहा। भाई शहनाज क्या है, अभी तक नाश्ता नहीं बना, आज मिलेगा भी या नहीं? जी जी बस एक मिनट। एक तो मैं सुबह सुबह उठी हुई, ये किसी को नजर नहीं आ रहा, सबकी फरमाइशें शुरू हुई हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हादिया कॉलेज जाने से पहले ये सारे काम कैसे कर लेती थी, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। मम्मी नाश्ता देते हैं, भूख लग रही है। तुम इतनी सुबह कब से उठ गए? हमारी सुबह तो 12 बजे से पहले होती नहीं ना। सुबह जल्दी उठो तो मुसीबत, ना उठो तो मुसीबत। आपको भी किसी चीज में चैन नहीं है। भाई मैं जा रहा हूं। अरे अरे आसिम, मेरी बात तो सुने, क्या हो गया है? आप कहाँ जा रहे हैं, नाश्ता तो कर ले। वैसे भी अभी तक तुमने एक ही पराठा बनाया है, इसको कौन कौन खाएगा? मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। अम्मा आप ये पराठा खाएं। बात सुनो, मैं पराठा नहीं खाती हूं, रोटी खाती हूं, रोटी। हादिया तो मुझे सुबह सुबह ताजा रोटी बनाकर देती थी। ठीक है अम्मा, आपकी रोटी भी बना देती हूँ मैं। उमेर तुम ये पराठा खा लो। तो सादा पराठा कैसे, अगर फ्राई अंडा मिल जाता तो? तो तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा बढ़ नहीं गए? ये चाहिए वो चाहिए। आपको पता नहीं है मैं चाय के साथ पराठा नहीं खाता। अगर एक दिन खा लोगे ना तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। लेकिन हादिया तो मुझे फ्राई अंडा बना के देती थी। हादिया नहीं है अब इस घर में, अब जो तुम्हारी माँ बनाएगी ना वही तुम्हें खाना पड़ेगा, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो और खा लो। लगता है अब यही करना पड़ेगा। मैंने नहीं खाना, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, उनके साथ ही नाश्ता करूंगा। उमेर बेटा,